देवर स्लेजिंग, स्लेजिंग जो ऑस्ट्रेलियन स्लेजिंग करते हैं ना गालियों से, ठीक है वो स्लेजिंग नहीं कर रहे, अपनी बॉलिंग से स्लेजिंग कर रहे हैं, बाउंसर मार रहे हैं टेल एंडर्स को, और ये इतना रूथलेस खेल है ना क्रिकेट का। तो आई थिंक हमें कोई इसमें हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि इंडियन ने जो ये देखा ना कितना आला स्विंग किया उसने। आई थिंक बुमराह जैसे वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक एट द मून विद द न्यू बॉल। इंडिया को जितना प्रेज करें उतना कम true है। that, true जिस that. तरीके से उन्होंने आज बैटिंग भी की और उसके बाद जो बॉलिंग में, तो मैं कहता हूँ उन्होंने आउटस्टैंडिंग कर दिए, यानी वो तो उन्होंने ऐसे कहते ना जिसको किसी को मेसमराइज कर देते हैं कि अगले को समझ ही नहीं आ रही है कर मतलब क्या रहे हैं। आपका वाओ फैक्टर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था पहला ओवर खत्म होने से पहले। और सिराज और बुमराह और शामी तीनों की 140 प्लस से बॉलिंग कर रहे थे, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग नजर आ रही है हमें, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग इसे कहते हैं जो बड़े मुकाबलों के अंदर, बड़े इवेंट्स के अंदर इस तरह परफॉर्म करते हैं। अच्छा, तीनों को, तीनों इंडियन बॉलर्स जो थे उन्होंने विकेट के बिल्कुल दरमियान LBW बोल्ड, LBW बोल्ड एंड स्लिप में कैचेस हुए, तो ये शो करता है कि आप कितनी अच्छी तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो इंडिया की बैटिंग को दाद देनी चाहिए, जब आपका एक फॉर्म बैट्समैन आउट हो जाता है कैप्टन, उसके बाद कोहली एक जितना एक्सपीरियंस प्लेयर है उसने आज शो किया है कि उस वक्त में उसने अपनी गेम को, हमेशा हम यही बातें करते हैं कि अच्छा प्लेयर वही है जिसको गेम अवेयरनेस है, तो उसके पास बहुत टाइम था, उसको कोई जल्दी नहीं थी, उसने पहले अपने आप को सेट किया, दिल को सेट किया, दोनों ने इतनी लंबी तकरीबन 200 की पार्टनरशिप, एग्जैक्टली पहली विकेट गिरी 4 रन के बाद, दूसरी विकेट गिरी जाके 190 के बाद, तो बहुत बड़ी पार्टनरशिप लग गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम शानदार फॉर्म में चल रही है। बताते चले कि भारत तीनों ही डिपार्टमेंट में शानदार खेल का प्रदर्शन दिखा रहा है, चाहे फिर वो बात बैटिंग की हो, बॉलिंग की हो या फिर फील्डिंग की। बताते चले कि भारतीय फास्ट बॉलिंग ने इस वर्ल्ड कप में पूरी तरह से आग लगा कर रखी है। बात करें अगर भारतीय फास्ट बॉलर की तो मोहम्मद सिराज, बुमराह और मोहम्मद शमी ने कुल मिलाकर टोटल अभी तक 38 विकेट ले चुके हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन फास्ट बॉलिंग अटैक का फॉर्म कितना शानदार चल रहा है। बताते चले कि सिराज ने अब तक वर्ल्ड कप 2023 में 9 विकेट अपने नाम किए हैं, तो वहीं 3 मैच खेल चुके मोहम्मद शमी ने 14 विकेट अपने नाम कर लिए हैं। इसके साथ साथ टीम इंडिया के स्ट्राइकर बॉलर जसप्रीत बुमराह ने इस वर्ल्ड कप में 15 विकेट अपने नाम किया है। भारतीय फास्ट बॉलिंग की इस शानदार परफॉर्मेंस को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने इंडियन पेस अटैक की जमकर तारीफ की है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत के पास जो इस समय पेस बैटरी है वो पूरी दुनिया में सबसे अच्छी है, यही रीजन है कि भारत इस वर्ल्ड कप में शानदार खेल का प्रदर्शन दिखा रहा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम की शानदार परफॉर्मेंस और इस शानदार बॉलिंग को लेकर क्या कहा है। इन्होंने ना जब इसको बाउंसर मारने के बाद ना, दे वर नॉट गोइंग फॉर मैजिक बॉल, खिंची लाइन पे गेंद कर रहे थे, पहले दिन से ये बात हो रही है, क्योंकि ये चांस जो हम चौके खाते हैं ना, हम दो बाउंसर करने के बाद कहते हैं मुंह से स्विंग कर दो, ये मुंह पे नहीं जा रहे। देखें आप इसकी लाइन, देखिए या बताएं आप। बट एक इंपॉर्टेंट चीज, हम इन तीनों फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं, ये तीनों फास्ट बॉलर्स इनके रेगुलर टेस्ट के बॉलर्स हैं। जब ये एक दिन में 25-26 ओवर्स डालते हैं तो ये 10 ओवर तो उनके लिए, आप उनकी, जबकि शमी की आप बॉडी स्ट्रक्चर की जो भी बात करें, मगर फिटनेस का लेवल जो है दैट इज कमेंडेबल लाला। मतलब फिटनेस क्यों अच्छी है इनकी, क्यों अच्छी लग रही है आपको? क्योंकि इनको सारा साल खिलाते नहीं है, इन्हें रेस्ट देते हैं साथ में, और उतना ही वर्कलोड डाला जाता है जितना वो संभाल सके। क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है, फिटनेस का ख्याल रखना, आपको प्लेयर्स को सेव करना पड़ता है सवेरा। वही वाली बात है कि भाई हमारे पास होने चाहिए बेंच पे ऐसे लड़के, ना हो शाहीन, उसकी जगह कोई और लड़का हो और वो भी उसी तरह का हो। तो इतना टैलेंट तो इस 25-30 करोड़ की आबादी हमारी मुल्क की, इतना टैलेंट तो हम निकाल सकते हैं ना। कि जितनी भी एशियन टीम्स के अलावा दूसरी फॉरेनर्स टीम है ना, साउथ अफ्रीका, उनके बॉलर्स का भी इतना सीम स्विंग नहीं हो रहा जितना इंडियन बॉलर्स का हो रहा है आज, इससे पहले भी, और ये जिस तरह की आज बॉलिंग थी, ये मुझे ख्याल, मेरा ख्याल दुनिया की कोई भी बैटिंग होती जो लाइन लेंथ थी वो ऐसे ही आउट होती, तो ये इतनी अच्छी बॉलिंग, इतनी अच्छी प्रेशर नहीं, कोई प्रेशर नहीं होता। तो ये सबसे की चीज है जो ग्राउंड में जरूरी है कि आपको खुद पे हमेशा कहा है कि खुद पे बिलीव होना चाहिए exactly. कि मैं एक अच्छा प्लेयर हूँ, मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम इन द टीम।
ये देखा जब शामी को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया तो जिस वक्त वो मीडिया टॉक कर रहे थे उस वक्त उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं देखा मैंने पिछले मैचेस में कैसे परफॉर्म किया, मैं यही सोच रहा था मैंने आज भी कैसे परफॉर्म करना है, दूसरे कि मैंने लाइन और लेंथ को देख के अपना टारगेट सेट करके बॉलिंग की, क्योंकि ये रिदम ही है जो आपको फॉर्म में रखती है। आपने इस टूर्नामेंट में अगर एक दिन भी अपनी लाइन और लेंथ से हटकर बॉलिंग की तो आपको फॉर्म में आने में कई मैचेस दरकार होते हैं, इसकी एग्जांपल हमने शाहिनशाह अफरीदी की सूरत में देखी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी जैसे उसने बड़ी अच्छी बात है कि आपने कहा इंटरव्यू में, उसने ये भी कहा कि पूरी टीम जेल टुगेदर है, एक दूसरे को बैक कर रही है, सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरा तो सिर्फ यही एम होता है कि मैं एरियाज ढूंढूं पिच को देखते हुए, अभी मैं उसी एरिया में उसी लाइन में बॉल करता हूं, मुझे वहां से मूवमेंट मिलती है और मैं विकेट्स भी मिलना शुरू हो जाती हैं। है हमारे पास नीचे है टैलेंट लेकिन जाया उसी तरीके से होता है, मसला ये है, प्रॉब्लम नीचे लेवल पे ग्रूमिंग की हम बातें करते रहे नीचे लेवल पे जब तक ग्रूमिंग नहीं होगी मेंटली फिजिकली, जब तक ये अंदर वाले बंदे को बड़ा नहीं करेंगे तो आपको तो लड़ाना, आपको तो बच्चों को लड़ाना सिखाना नीचे की उम्र से सीखना चाहिए ना। हमारी तो ज्यादातर चीजें नेशनल टीम में आने के बाद बच्चे सीख रहे होते हैं, नहीं उनको 16, 17, 18 साल में उनके पास शेरों का जिगरा होना चाहिए। हमने कई बॉलर्स जाया कर दिए, क्यों जाया किए, इनको ज्यादा खिला दिया, इतना खिला दिया, ओवर बॉल कर दिया, वो लड़का बिल्कुल उसमें वो जो फ्रेशनेस होती है वो चली जाती है, मोनोटनी आ जाती है, इस चीज को हमने देखना है। एंड यस, आपको एक बैकअप जरूर रखना है जी, बैकअप हम रखते नहीं है, ये सब शॉर्ट थिंकिंग है, इसको कौन करेगा ठीक, इसको आपके प्लानर्स, इसको आपके लोकल कोचेस जो आपके हैं पाकिस्तानी कोचेस, ये आपको करेंगे ठीक। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया भारतीय फास्ट बॉलर की तारीफ करने के लिए मजबूर हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय फास्ट बॉलर ने जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप में प्रदर्शन किया है वह देखने लायक है। बताते चले कि भारत के तीनों फास्ट बॉलर शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि ना केवल भारत का फास्ट बॉलिंग अटैक बल्कि भारत का स्पिन बॉलिंग अटैक भी काफी अच्छा है। जहां जरूरत पड़ती है वहां कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा शानदार लय में दिखाई देते हैं। बताते चले कि कुलदीप यादव को तो अभी तक बहुत सी टीम के बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए हैं, यही रीजन है कि भारत को अभी तक 300 से ज्यादा का स्कोर चेस करने को नहीं मिला है। इसके अलावा भारतीय बॉलर्स को जितना भी स्कोर मिला है उन्होंने इसे डिफेंड कर लिया है। कुल मिलाकर भारतीय बॉलर्स इस पूरे वर्ल्ड कप में शानदार लय में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि जब वर्ल्ड कप और एशिया कप स्टार्ट नहीं हुआ था तब पाकिस्तानी मीडिया यह कह रहा था कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर सबसे अच्छी लय में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी टीम केवल और केवल कमजोर टीम के अगेंस्ट ही खेलकर अच्छे प्रदर्शन दिखा रही थी। जैसे ही उसका बड़ी टीमों से सामना हुआ उसके बॉलर पूरी तरह से फ्लॉप हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत चाहे छोटी टीम हो या फिर बड़ी टीम सबके अगेंस्ट शानदार खेल का प्रदर्शन दिखा रही है। बताते चले कि भारतीय प्लेयर्स बहुत सारी सीरीज ऐसी हुई हैं जिसमें रेस्ट कर रहे थे, यही रीजन था कि वर्ल्ड कप और एशिया कप से पहले भारत की टीम उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रही थी। लेकिन जैसे ही सभी प्लेयर टीम में आए भारत ने एक बार फिर से बता दिया है कि क्यों प्रेजेंट टाइम में वो दुनिया की नंबर वन की टीम है। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया भारतीय बॉलर्स का फैन बन चुका है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही, तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।